हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का खेल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे प्रोफेशनल रेसलिंग की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी WWE के बारे में, जिसने प्रोफेशनल रेसलिंग की दुनिया को एक से बढ़कर एक कई दिग्गज रेसलर्स दिए हैं, जिसमें दी अंडरटेकर, हल्क होगन और आंद्रे दी जायंट समेत कई बड़े बड़े दिग्गज रेसलर्स शामिल हैं। इन सुपरस्टार्स ने अपनी धमक से प्रोफेशनल रेसलिंग की दुनिया में एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। इसी कड़ी में हम आज आपको बताएंगे WWE के 5 बड़े सुपरस्टार्स के बारे में, जिन्हें शायद WWE में अब कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। हे गाइस, आप देख रहे हैं खेल पॉइंट यूट्यूब चैनल, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, WWE में रहकर इन सुपरस्टार्स ने एक से बढ़कर एक कई यादगार मुकाबले दिए हैं, और इन्हीं मुकाबलों के दम पर इन्होंने पूरी दुनिया में फैले हुए रेसलिंग फैंस को अपना दीवाना बना लिया है। शानदार मुकाबले देने के साथ साथ ये कुछ चुनिंदा सुपरस्टार्स ऐसे हैं जो WWE कंपनी के लिए हमेशा ही वफादार रहे हैं, और इनकी इन्हीं सब खूबियों के कारण इन्हें WWE में रिप्लेस कर पाना किसी भी अन्य सुपरस्टार के लिए लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं चुनिंदा सुपरस्टार्स के बारे में जो इस लिस्ट में शामिल हैं। नंबर 5, केन। दोस्तों, WWE के लिए केन हमेशा से ही एक लॉयल सुपरस्टार रहे हैं, और इसके साथ ही साथ वे एक बेहद ही शानदार रेसलर भी रहे हैं। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब भी कंपनी को उनकी ज़रूरत होती है, वे कंपनी को कभी भी मना नहीं करते हैं, और कंपनी के प्लान्स के अनुसार हमेशा ही अपना 100% देते हैं। फिर चाहे कंपनी उन्हें किसी सुपरस्टार का मैनेजर बनने को कहे, कंपनी का डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन बनने को कहे, या फिर उन्हें डीमन केन बनकर किसी भी सुपरस्टार के खिलाफ मैच लड़ने के लिए कहे, वे इसके लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं। उन्होंने एक WWE कंपनी में काम करते हुए करीब 25 साल हो चुके हैं, और इन 25 सालों में उन्होंने रेसलिंग फैंस के लिए कई रोमांचक मुकाबले दिए हैं। हालांकि अब WWE में वो सिर्फ पार्ट टाइमर की भूमिका में रहते हैं, और WWE में बेहद ही कम दिखाई देते हैं। नंबर 4, रैंडी ऑर्टन। दोस्तों, दी वाइपर रैंडी ऑर्टन प्रो रेसलिंग की दुनिया का एक बहुत ही बड़ा नाम है। फैंस उन्हें दी वाइपर और दी लेजेंड किलर के नाम से भी पुकारते हैं। उनका फिनिशिंग मूव RKO प्रो रेसलिंग की दुनिया में सबसे शानदार और असरदार फिनिशिंग मूव्स में से एक है। वह WWE कंपनी के सबसे चहेते सुपरस्टार भी हैं। वह ट्रिपल एच और WWE कंपनी के मालिक विंस मैकमैन के लिए बेहद ही खास हैं। एक बेहद ही शानदार रेसलर होने के साथ साथ वो कंपनी के लिए भी काफ़ी वफादार हैं। वो पिछले 18 सालों से लगातार रेसलिंग कर रहे हैं, और कंपनी के लिए अपना 100% दे रहे हैं। अपनी शानदार रेसलिंग स्किल्स के दम पर उन्होंने प्रो रेसलिंग की दुनिया में एक से बढ़कर एक कई सांसें रोक देने वाले मैचेस फैंस को दिए हैं। नंबर 3, जॉन सीना। दोस्तों, WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक है जॉन सीना। वे पिछले काफ़ी सालों तक WWE कंपनी का चेहरा रहे हैं। अपनी शानदार रेसलिंग स्किल्स के दम पर उन्होंने कई सालों तक रेसलिंग की दुनिया में अपनी बादशाहत कायम रखी थी। अपनी काबिलियत के दम पर उन्होंने ना सिर्फ खुद को बल्कि WWE कंपनी को भी काफ़ी आगे तक पहुंचाया है। आपको बता दें कि वे रेसलिंग फैंस के सबसे पसंदीदा सुपरस्टार्स में से भी एक हैं। अपने रेसलिंग करियर के दौरान उन्होंने शुरुआती समय को छोड़कर हमेशा ही फेस की भूमिका निभाई है। हालांकि अब वे कंपनी में बहुत ही कम मौक़ों पर दिखाई देते हैं, लेकिन जब भी वो आते हैं, फैंस के रिएक्शन देखने लायक होते हैं। इस बात से तो अब आप सहमत ही होंगे कि WWE कंपनी में उनकी जगह लेना किसी भी सुपरस्टार के लिए आसान नहीं होगा। नंबर 2, ब्रॉक लेसनर। आप में से ज़्यादातर लोगों को इस नाम के इस लिस्ट में आने की उम्मीद होगी। दोस्तों, द बीस्ट ब्रॉक लेसनर प्रोफेशनल रेसलिंग की दुनिया का एक बहुत ही बड़ा नाम है। उनकी ताकत और उनकी इनरिंग डोमिनेंस से पूरा रेसलिंग वर्ल्ड वाकिफ है। उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर न सिर्फ WWE में बल्कि UFC में भी अपना एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। उनकी उपलब्धियों तक पहुँच पाना हर बड़े सुपरस्टार का सपना होता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी नहीं कर सका, क्योंकि ब्रॉक लेसनर बनना इतना आसान नहीं है। वर्तमान समय में WWE के लिए सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड हैं। उनके अंदर इतनी क्षमता है कि वे अपने दम पर किसी भी फ्लॉप शो को सुपरहिट करवा सकते हैं। उनके सिर्फ एक बार रिंग में आने भर से ही TRP के सारे रिकॉर्ड टूट जाते हैं, इसलिए उनको रिप्लेस कर पाना किसी भी सुपरस्टार के लिए असंभव सा लगता है। नंबर 1, द अंडरटेकर। दोस्तों, द अंडरटेकर प्रोफेशनल रेसलिंग की दुनिया के सबसे बड़े लेजेंड हैं। उन्हें WWE के सबसे महानतम रेसलर्स में टॉप पर रखा जाता है। वे दुनिया के हर उस शख्स के लिए प्रेरणा हैं जो रेसलर बनने का सपना देख रहे हैं। उनके बारे में हर कोई जानता है, फिर चाहे वो रेसलिंग फैन हो या ना हो, हर किसी ने कभी ना कभी उनका नाम सुन रखा है। आप उनकी महानता का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया का हर बड़ा रेसलर उनके साथ रिंग शेयर करना चाहता है। उनके नाम पर प्रो रेसलिंग वर्ल्ड के सबसे बड़े पेपर व्यू रेसलमेनिया में लगातार 21 सालों तक अजय रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है। वे पिछले 30 सालों से लगातार रेसलिंग कर रहे थे, किंतु अभी हाल ही में उन्होंने अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने रिटायरमेंट की घोषणा WWE के शो दी लास्ट राइड डॉक्यूमेंट्री के दौरान की थी। WWE में किसी भी अन्य सुपरस्टार के लिए उनकी जगह ले पाना नामुमकिन सा लगता है।
तो दोस्तों ये थे वे पांच बड़े WWE सुपरस्टार जिनकी जगह WWE में ले पाना किसी भी अन्य सुपरस्टार के लिए नामुमकिन सा है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे कि हम जैसे ही कोई नई वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।